मुंशी प्रेमचंद की कहानी सुजान भगत, कथावाचक सोनम। सीधे सादे किसान धन हाथ में आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। ऊसर में भी दाना छींट आता था तो कुछ न कुछ पैदा हो जाता था। 3 वर्ष लगातार ईख लगती गई। उधर गुड़ का भाव तेज था, कोई 2-2.5 हजार हाथ में आए, बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा, द्वार पर धूनी जलने लगी। कानून को इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग का अफसर एक न एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता। महतो मारे खुशी के फूले न समाते। धन्य भाग उनके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। जिन हाकिमों के सामने उनका मुंह भी ना खुलता था, उन्हीं की अब महतो महतो करते जबान सूखती थी। कभी कभी भजन भाव हो जाता था। एक महात्मा ने डॉल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया। गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलक आई, मंजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। ये सब सुजान के दम का जलूस था। घर में सेरो दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब पारावार ना था। सबके सामने सिर झुकाए रहता, कहीं लोग ये ना कहने लगे कि धन पाकर उसे घमंड हो गया है। गांव में कुल 3 कुएं थे, बहुत से खेतों में पानी ना आता था, खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्म भोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। जो काम गांव में किसी ने न किया था, वो बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे, सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। ये अच्छा अवसर देखकर वो भी चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेक निकालना अच्छी बात नहीं, जिंदगानी का क्या भरोसा। बुलाकी, हाथ खाली हो जाएगा। भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे, उनके यहां किस बात की कमी है। बुलाकी इसका क्या जवाब देती, सत्कार में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया करने चले। वहां से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्म भोज की ठहरी। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई, 11 गांवों में सुपारी बटी। इस धूमधाम से एक लाभ हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। घमंड तो छू भी नहीं गया, अपने हाथों से पत्तल उठाता फिरता था। कुल का नाम जगा दिया, बेटा हो तो ऐसा हो। बाप मरा तो भूनी भांग भी नहीं थी, अब तो लक्ष्मी भी घुटने तोड़कर बैठी हुई है। एक द्वेषी ने कहा, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है। इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे, यही उसके हाथ लग गया है। अरे भैया, ये धर्म की कमाई है, तुम भी तो छाती फाड़कर काम करते हो। क्यों ऐसी ईख नहीं लगती, क्यों ऐसी फसल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को देते हैं। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। भक्तों के आचार विचार कुछ और होते हैं, वो बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हो और वो रोज स्नान करके दोपहर तक घर ना लौट सकता हो, तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए, पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात ये कि झूठ का त्याग करना पड़ता है, भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को झूठ का अगर दंड मिले तो 1 मिले, लेकिन भगत को तो 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, यदि है तो बहुत कठिन है। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था, उसका कोई आदर्श कोई मर्यादा उसके सामने ना थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ, जहां का मार्ग कांटों से भरा हुआ था। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था, इसी कांटे से वो परिस्थितियों को तौलता था। वो अब उन्हें औचित्य के कांटे पर तौलने लगा।
यो कहो कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतन जगत में प्रवेश किया। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानी सी होती थी। यहाँ तक कि गऊओं को धोते समय उसे बछड़ों का बहुत ध्यान रहता था, कहीं बछड़ा भूखा न रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। वो गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमे में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी, कितनों से डांड लेकर मामले को रफा दफा किया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी ये चेष्टा होती थी कि मजदूरों से जितना काम लिया जा सके लो, और मजूरी जितनी कम दी जा सके दो। पर अब उसे मजूर के काम की कम मजूरी की अधिक चिंता रहती थी, कहीं बेचारे मजूर का रोया ना दुखी हो जाए। वो उसका वाक्यांश सा हो गया था, किसी का रोया ना दुखी हो जाए। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर फप्तियां कसते। यहां तक कि मुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन नहीं। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किसी खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, किस भाव से क्या चीज बिकी, ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह नहीं ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने ही ना पाता। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर ही से मामला तय कर लिया करती थी। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, घर में घटता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते थे। हाथ से चारपाई उठाते देख कर लपक कर खुद उठा लाते थे, चिलम ना भरने देते थे, यहां तक कि उसकी धोती छाटने के लिए भी आग्रह करते थे। मगर अधिकार उसके हाथ में न था। वो अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छांट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा, दाल छांट लूं तो उसे कुछ दे दूं। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा द्वार पर खड़े एक महात्मा गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा, भगत के पांव में क्या मेहंदी लगी है, क्यों कुछ ले जाकर नहीं दे देते, क्या मेरे चार हाथ हैं, किस किस का रोया दुखी करूं, दिन भर तो तांता लगा रहता है। भोला, चौपट करने पर लगे हुए हैं और क्या, अभी महंगू बेंग देने आया था, हिसाब से 7 मन हुए, तौला तो 7.25 मन ही निकले, मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहां जाएगा, भरपाई लिख दो नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दी। बुलाकी, बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो, 10-5 दफे मुंह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। भोला, दिन भर एक न एक खुचड़ निकालते हैं, 100 दफे कह दिया कि तुम गृहस्थी के कामों में न बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा नहीं जाता। बुलाकी, मैं जानती कि इनका ये हाल होगा तो गुरु मंत्र न लेने देती। भोला, भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है, अभी ऐसे भी बूढ़े नहीं हुए हैं कि कोई काम न कर सके। बुलाकी ने आपत्ति की, भोला ये तुम्हारा कुन्याय है, फावड़ा कुदाल अब उनसे उठ नहीं सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, बैलों को सानी पानी देते हैं, गाय दूहते हैं, और जो भी कुछ हो सकता है करते हैं। भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते ना देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर में बोला, तुम लोगों को सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है, अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण भगवान का काम भी तो किया करो। बुलाकी ने कहा, तुम तो भगवान का काम करने को ही बैठे हो, क्या घर भर भगवान का ही काम करेगा, कहाँ आटा रखा है लाओ, मैं ही निकाल कर दे आऊं, तुम रानी बनकर बैठो। आटा मैंने मर मर कर पीसा है, अनाज दे दो, ऐसे मड़चिरों के लिए पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूं। सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी छबड़ी को जौ से भरे हुए निकले। जौ 1 सेर भर से कम ना था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी और भोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। तीस पर भी ये दिखाने के लिए कि छबड़ी में बहुत ज्यादा जौ नहीं है, वो उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतना बोझ न संभाल सकती थी, हाथ कांप रहा था। एक क्षण विलंब होने से छबड़ी के हाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी, इसलिए जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा भोला ने छबड़ी उनके हाथ से छीन ली और तेवरियां बदल कर कहा, संत का माल नहीं है जो लुटाने चलते हो, छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब दाना घर में आता है। सुजान ने खिसिया कर कहा,
मैं भी तो बैठा नहीं रहता। भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पति पानी बना रहे, और तुम्हें लुटाने की सूझी। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है? सुजान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। और पेड़ के नीचे बैठकर विचार मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका ये अनादर। अभी ये अपाहिज नहीं है, हाथ पांव थके नहीं है, घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता है। उस पर ये अनादर, उसी ने घर बनाया, ये सारी विभूति उसी के श्रम का फल है। पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं। अब वो द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो रूखा सूखा दे दें वो खाकर पेट भर लिया करें। धिक्कार है ऐसे जीवन को। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। संध्या हो गई थी। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भरकर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिकाकर रख दिया, धीरे धीरे तंबाकू जलाया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से न उठा। बहुत देर और गुजरी, भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने गया। सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनावन करने पर भी न उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा, खाना क्यों नहीं खाने चलते? जी तो अच्छा है। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर था। ये भी लड़कों के साथ है। ये बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी ना निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से गृहस्थी जोड़ी है, पर ये तो जानती है। दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। भादो की अंधेरी रात में मड़ैया लगा के ज्वार की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी तो दम नहीं लेता था। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं कि भीख तक दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था। चाहे मैं घर में आग ही क्यों ना लगा देता, कानून में भी तो मेरा कुछ होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूं। इसमें किसी के बाप का क्या साझा है? अब इस वक्त मनाने आई हैं। जिसने खसम की लातें ना खाई हो, कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं। रुपए पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं। मैं तो निखट्टू लुटारू, घर फूकू, घोंगा हूं। मेरी इसे क्या परवाह? जब लड़के ना थे, जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले गया था, आज उसके बेटे हैं और ये उनकी माँ है। मैं तो बाहर का आदमी हूं, मुझे घर से क्या मतलब? बोला, अब खा पी कर क्या करूंगा? हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने को क्यों खराब करोगी? रख दे, बेटे दूसरी बार खाएंगे। बुलाकी, तुम तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ या और कुछ। हाँ, बेचारा इतना कहकर रह गया। तुम्हें तो तब मजा आता जब वो ऊपर से दो चार डंडे लगा देता। क्यों? अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो। भोला खा चुका होगा, बुलाला बुलाला। नहीं, भोला को क्यों बुलाती हो? तुम ही ना दो चार हाथ जमा दो, इतनी कसर है वो भी पूरी हो जाए। हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म है। अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी औरत पाली। जिस बल चाहते हो बिठाते हो, ऐसी मुंह जोर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निभा ना होता। हाँ भाई, वो तो मैं कह ही रहा हूं कि देवी थी और हो। मैं तब भी राक्षस था और अब दैत्य हो गया हूं। बेटे कमाऊ हैं, उनकी सी ना कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी? मुझसे अब क्या लेना देना है? तुम तो झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूं कि चार आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं जाकर सो रहूंगी। तुम भूखी क्यों सो रहोगी? तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ, मैं बाहरी आदमी हूं, बेटे तुम्हारे भी तो हैं। नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आया, किसी और के बेटे होंगे। मेरे बेटे होते तो क्या मेरी ऐसी दुर्गति होती? गालियां दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम तो सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निभा इसी में है कि नाम के मालिक बने रहें और वही करें जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं ये बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते? जो कमाता है उसी का घर में राज होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती। तुम क्यों अपने मन की करते हो? इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अब क्यों माया में पड़े हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। मैं तो अब द्वार का कुत्ता हूं।
बात जो थी वो मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहे समझो। सुजान न उठे, बुला की हार कर चली गई। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वो बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता रहा। परिस्थिति में कितना उलट फेर हो गया था इसकी उसे खबर ना थी। लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं ये बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते, क्या ये सब उसके गृह स्वामी होने का प्रमाण ना था? पर आज उसे ये ज्ञात हुआ कि ये केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। अब तक जिस घर में राज किया उसी घर में पराधीन बनकर वो नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वो इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। मंदिर का पुजारी बनकर वो नहीं रह सकता। न जाने कितनी रात बाकी थी। सुजान ने उठकर गणासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। सारा गांव सोता था पर सुजान करवी काट रहे थे। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी ना किया था। जब से उन्होंने काम छोड़ा था बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा ना पड़ता था। आज वो इन लोंडों को दिखा देगा कि चारा कैसे काटना चाहिए। उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया और टुकड़े इतने महीन और सुडौल थे मानो सांचे में ढल गए हों। मुंह अंधेरे बुला के उठी तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह गई और बोली, क्या भोला आज रात भी कटिया ही काटता रह गया? कितना कहा कि बेटा जी से जहान है पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं। सुजान भगत ने तान से कहा, वो सोता ही कब है? जब देखता हूं काम ही करता रहता है। ऐसा कमाऊ संसार में और कौन होगा? इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला। उसे भी ये ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। मां से बोला, क्या शंकर आज बहुत रात को उठा था अम्मा? वो तो पड़ा सो रहा है, मैंने समझा तुमने काटी है। मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता, दिन भर चाहे जितना काम कर लूं पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता। तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? हाँ, मालूम होता है, रात भर सोए नहीं, मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे वो तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? बुला की, क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। बोला, शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले जाऊं। जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया। सुजान से कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। दोपहर हुआ, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए पर सुजान भगत अपने काम में मग्न है। भोला थक गया है, उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दे मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। सबको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा अब तो दोपहर हो गया, हल खोल दो ना। हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड़ फेंक कर आता हूं। मैं संझा को डांड़ फेंक दूंगा। तुम क्यों फेंक दोगे? देखते नहीं हो खेत कटोरी की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है। इस गोइण के खेत में 20 मन का बीघा होता था, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। बैल खोल दिए गए, भोला बैलों को लेकर घर चला पर सुजान डांड़ फेंकते रहे। आध घंटे के बाद डांड़ फेंक कर वो घर गए मगर थकान का नाम ना था। नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूंछ सहलाई। बैलों की पूंछ खड़ी थी, सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें यह आनंद प्राप्त हुआ था। उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ दिन रात काम करने को तैयार हैं। अन्य कृषकों की भांति भोला कभी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चले। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जाते थे मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी हो। भोला ने मड़ैया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते हुए देखा पर उठ ना सका, उसकी हिम्मत छूट गई थी। उसने कभी इतना परिश्रम नहीं किया था, उसे बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी, उसे ज्यों त्यों चला रहा था। इन दामों वो घर का स्वामी बनने का इच्छुक न था। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं, हंसने बोलने के लिए गाने बजाने के लिए भी तो उसे कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है, जवान आदमी कैसे अपने को वहां जाने से रोकेगा? किसी गांव में बारात आई, नाच गाना हो रहा है, जवान आदमी क्यों उसके आनंद से वंचित रह सकता है? वृद्धजनों के लिए ये बाधाएं नहीं, उन्हें ना नाच गाने से मतलब है ना खेल तमाशे से, केवल अपने काम से मतलब है। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए हैं। जाने दो अम्मा,
मुझसे यह नहीं हो सकता। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव में टीकाएं हुई। निकल गई सारी भक्ति, बना हुआ था, माया में फंसा हुआ है, आदमी का है को भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते थे, उनका आदर सत्कार होता है। अब की उनकी खेती ने सोना उगल दिया है, बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई है। चैत का महीना था, खलिहानों में सतयुग का राज था, जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उसका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरे में अनाज भर भर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रखाते थे। कितने ही भाट और भिक्षुक अन्नाथ जी को घेरे हुए थे, उनमें वो भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगाए आए हो? भिक्षुक, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे पास ही आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे सामने ये ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सकते हो ले जाओ। भिक्षुक ने क्षुब्ध नेत्रों से ढेर को देखकर कहा, जितना आप हाथ से उठाकर दे दोगे उतना ही लूंगा। नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। भिक्षुक के पास एक चादर थी, उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का उसमें साहस ना हुआ। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो एक बच्चा भी उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है। नहीं, तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पंसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर सशंक दृष्टि से देखने लगा। उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूं वो करो, तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी न उठाने दी तो कितनी भद्द होगी और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत ना पड़ी। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांध कर बोले, इसे उठा ले जाओ। भिक्षुक, बाबा इतना तो मुझसे उठ भी ना सकेगा। अरे इतना भी ना उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर, भला जोर तो लगाओ, देखू उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। फिर बोला, भगत जी ये मुझसे ना उठ सकेगी। अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो? बड़ी दूर है भगत जी, अमोला नाम तो सुना ही होगा। अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। ये कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए। देखने वाले भगत का ये पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती थी, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लगन बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लगन है वो बूढ़ा भी हो तो जवान है, जिसमें लगन नहीं, गैरत नहीं, वो जवान भी मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्व नेत्रों से देखकर कहा, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ न लौटने पावे। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला ना हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। मुंशी प्रेमचंद की कहानी, सुजान भगत, कथावाचक